हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स तो आज हम फिर से आ गए हैं ऐसे बेहतरीन चार स्टॉक्स को लेकर जहां पर, बहुत पर कि बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट्स आए हैं चार्ट्स पर हालांकि मार्केट बहुत नेगेटिव था बट स्टिल इसमें काफ़ी अच्छा पुलबैक दिख रहा है और आने वाले समय में भी, भी काफ़ी अच्छे चार्ट पैटर्नस बन रहे हैं तो जैसा कि आपने कल की वीडियो में भी देखा होगा और आई एम श्योर काफ़ी अच्छा पैसा बना भी होगा नवीन फ्लोरिन में काफ़ी अच्छा बॉटम फिशिंग का ऑप्शन मिला था और फिर से वो ग्रीन में क्लोजिंग दी है नवीन फ्लोरिन ने भी इसी तरह से फैक्ट में काफ़ी अच्छा पैसा बना होगा आप लोगों का इसी के साथ साथ आपको अंबुजा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट्स बताया था मैंने अंबुजा एक्सपोर्ट्स में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है लोगों का तो ये ऐसे कुछ स्टॉक्स थे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हालांकि मार्केट 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ है बट स्टिल मेरे चार पाँचों ही स्टॉक्स बताए हुए ग्रीन में क्लोजिंग दी है और फैक्ट जैसे शेयर में तो चार साढ़े का रिटर्न और अंबुजा एक्सपोर्ट्स में भी ऑलमोस्ट चार पाँच परसेंट का रिटर्न मिला है तो आई एम श्योर आप सभी ने इन्जॉय किया होगा ये जर्नी को और अगर आपने आ, इन स्टॉक्स में पैसा लगाया हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा तो आज की वीडियो भी इतनी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चिपक के बने रहिएगा एंड तक बिकॉज हम जो चार स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे पैटर्न्स दिख रहे हैं और लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा तो आज का जो पहला स्टॉक है वो है आपके स्क्रीन पर के आई ओ सी एल का के आई ओ सी एल हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है और पैसा बना भी है अभी रडार पर आने का कारण क्या है एक तो काफ़ी अच्छा इसमें एक डबल बॉटम जैसा एक पैटर्न बना है डबल बॉटम किस लेवल पर बना है डबल बॉटम बना है कुछ एक सौ छियासठ एक सौ सड़सठ के आसपास तो एक सौ के आसपास ये डबल बॉटम बना है आप देखेंगे तो ये जो है बॉटम एक बार पहले बनाया इसमें ऑलमोस्ट जुलाई जून जुलाई 2022 में और फिर से अभी बॉटम बनाया है अभी ही मार्च मार्च के आसपास और उसके बाद काफ़ी अच्छी रैली ये हुई है और आज की जो जो ये कैंडल बनी है काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है और इसने अपने फिफ्टी डेमा इसने हंड्रेड डेमा और 200 हंड्रेड तीनों को ही काट कर ऊपर की क्लोजिंग दी है जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है तो अभी नेक्स्ट पड़ाव क्या दिख रहा है नेक्स्ट जो इमीडिएट हर्डल है वो 215 का है और आप देखेंगे तो वहीं पर ही आज इसने एक रेजिस्टेंस फेस भी किया है तो 215 का रेजिस्टेंस रहेगा 215 से ऊपर अगर ये निकलता है तो 228 230 का इसमें एक आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है पड़ाव तो स्टॉप लॉस क्या हो जाता है अगर आप इसमें पोजीशन बना के बैठे हैं तो एक 200 का एक जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है वो भी है और उसका 20 ट्वेंटी डेमा फिफ्टी डेमा हंड्रेड मा एंड टू uh, हंड्रेड मा सारे ही 203 से 205 206 सौ के क्लस्टर में ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स हैं तो 200 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और टारगेट क्या होगा पहला टारगेट जो होगा दो का और उसके बाद अगर दो निकलता है तो दो का इसका दूसरा टारगेट होगा बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है और uh, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है आज इसने सारे ही मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर एम एस पर भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर हैं और अगर आप ये देखेंगे इसका आर नंबर आर नंबर भी काफ़ी अच्छा सेवेंटी टू के आसपास का है हालांकि इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है आप सभी जानते हैं कि मेरी पर्सनल होल्डिंग जहां पर भी होती है मैं आपके साथ ज़रूर साझा करता हूं तो आज का ये पहला स्टॉक हो जाता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टॉक ऑफ द डे सेकंड जो स्टॉक है वो है एच एल ई ग्लास कोड का एच एल ई ग्लास कोड मुझे क्यों अच्छा लग रहा है अगर आप देखेंगे डेली का चार्ट है आप सभी के सामने और एच एल ई ग्लास कोड में आप आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 603 के ऊपर क्लोजिंग हुई है जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है इसने भी अपने सारे ही मूविंग एवरेजेज़ हालांकि इसका अगर आप देखेंगे तो आ, पहला जो पड़ाव था जहां पर इसने सपोर्ट लिया है वो लिया है ऑलमोस्ट 20 डेमा पर 20 डेमा से चलना शुरू हुआ 20 का काटा 20 के बाद 50 डेमा काटा उसके बाद 50 के बाद 100 एम अभी काट के 603 की क्लोजिंग दी है जो कि बहुत ही अच्छा इसमें क्लोजिंग है अब नेक्स्ट पड़ाव क्या होगा इसका नेक्स्ट पड़ाव आएगा इसका 648, 650 अर, के आसपास तो स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो आपके लिए एक कायदे का स्टॉप लॉस क्या हो जाता है फाइव का एक स्टॉप लॉस हो जाता है और अगर आप टारगेट देखते हैं इसके तो टारगेट हो जाता है फाइव के तो अच्छा सॉरी सिक्स के तो 648 का टारगेट है छः सौ पर चल रहा है बीस रुपये खोने को है और ऑलमोस्ट पचास रुपये मिलने को है तो ये ध्यान रखिएगा ये भी बहुत अच्छा शेयर है एच ए डी ग्लास कोट और काफ़ी अच्छे पैटर्न्स भी बने हुए हैं एच ए डी ग्लास कोट में इसमें भी मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है सेवेंटी थ्री का इसमें आर एस आई नंबर और एम एस ई डी पर भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर एविडेंट है तो ये आज का सेकेंड स्टॉक हो जाता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक ऑफ द डे तीसरा जो स्टॉक है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे क्यों क्योंकि इसमें भी एक काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है अपना सारे ही मूविंग एवरेज के ऊपर इसका नाम है भारत गियर्स भारत गियर्स हमने पहले काफ़ी बार डिस्कस किया है और अगर आप देखेंगे तो भारत गियर्स में भी आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर गया है और हालांकि मार्केट नीचे था मार्केट नेगेटिव में था मार्केट ब्लीड कर रहा था तो भी इसमें आज अच्छा खासा अट्रैक्शन देखने को मिला है इसमें क्या हुआ है इसमें अगर आप देखेंगे तो एक जो चैलेंज था जो कि इसमें एक दो एक सौ उन्नीस रुपये एक सौ इक्कीस रुपये का जो हर्डल था हंड्रेड डीमा और टू हंड्रेड डीमा और हंड्रेड डीमा उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है तो 113 के ऊपर चल ही रहा था जो उसका ट्वेंटी डीमा था उसके एक सौ सत्रह एक सौ इक्कीस ये सारे ही मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहा है अब इसका नेक्स्ट पड़ाव क्या है इमीडिएट हर्डल जो अगर आप देखेंगे इसका इमीडिएट हर्डल है 144 से लेके 150 के बीच में तो स्टॉप लॉस क्या लगाएं अब अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और आपको लगता है कि ये अगर इमीडिएटली आपको सिर्फ़ एक स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं अगर आपकी वॉल बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो एक सौ बीस रुपये का एक स्टॉप लॉस हो जाता है अगर आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक सौ का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए एक से एक का जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है वहाँ पर एक आ, सपोर्ट की तरह काम करेगा तो स्टॉप लॉस आपका हो जाता है 113 और टारगेट आपके लिए जो हो जाता है टारगेट होता है 148 का तो 148 का अच्छा खासा स्टॉप टारगेट है इसमें भी बहुत अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं भारत गियर्स में और अगर आप देखेंगे एम पर भी पॉजिटिव क्रॉस ओवरस हैं और सिक्सटी थ्री का इसमें भी अच्छा खासा आर एस आई आर एस आई का नंबर है वॉल्यूम अच्छे हो रहे हैं तो इसमें भी आप अपना रडार पर बना के रखिएगा भारत गेट्स में हालांकि मेरी इसमें कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एंड द फाइनल स्टॉक बट बिफोर वी गेट इन टू दिस फोर्थ स्टॉक ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लग रही है आपकी आपको ये वीडियो और uh, अगर अच्छी लगे तो डू गिव मी थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल आपने मेरा अगर तक अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा नाउ टॉक अबाउट द फोर्थ स्टॉक ऑफ द डे ये जो स्टॉक है वाटेक वबाग वाटेक वबाग बहुत ही ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट दिया है आज ही के सत्र में इसने और वो वो लेवल क्या था वो था तीन सौ बहत्तर रुपये तीन सौ सत्तर तीन सौ बहत्तर रुपये जो ब्रेकआउट दिया है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि एक ये राउंडिंग बॉटम जैसा बनाकर इसने चलना शुरू किया है और यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया तीन सौ बहत्तर के ऊपर एक बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम भी देख सकते हैं आप अगर देखेंगे तो ये देखें कितना पुराना विशाल का राउंडिंग बॉटम है और इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ही अच्छा संकेत है वाटेक वभाग में वाटेक वाभाग में अगर आप लेवल देखेंगे कहाँ पर इसका नेक्स्ट पड़ाव आता है तो वो काफ़ी अच्छा आपको वो देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट तीन चार सौ तीस रुपये तक का चार सौ पचास रुपये तक का एक लेवल देखने को मिलेगा तो स्टॉप लॉस क्या लगाएं स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपके सामने है तीन सौ बहत्तर रुपये का स्टॉप लॉस आपके सामने है तीन सौ बहत्तर का अगर ये तीन सौ बहत्तर का रजिस्ट सपोर्ट तोड़ देता है तो आप बिल्कुल एग्ज़िट ले सकते हैं और टारगेट जो इसमें देखने को मिल रहा है वो है चार सौ तीस से चार सौ पचास रुपये तक का तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट है वाटेक वबा का और एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इसमें देखने को मिल जाता है इसमें भी मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है और अगर आप आर का नंबर देखते हैं तो 68 का आर नंबर और पॉजिटिव क्रॉस ओवर ऑलरेडी एम पर दिख रहे हैं तो ये आज के चार स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि कैसे लगे और आप मुझे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं बाई सब्सक्राइबिंग माई चैनल और अगर आपको मेरे मुझसे ट्विटर पर जुड़ना है तो ट्विटर भी आपको ऊपर फ्लैश हो रहा है तो ये आज के चार स्टॉक्स हैं आज के लिए सिर्फ इतना ही विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो